होगी। चलिए अब सीधा प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको आईपीसी 1860 में अध्याय 16 धारा 319 को समझाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है 319। 319 उपपत्ति के बारे में बताती है। ये पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति को कारित करता है, क्या कारित करता है? शारीरिक पीड़ा, रोग या अंगशिथिल्य, वे साधारण उपपत्ति कारित करने का अपराधी होगा। कहते हैं कि साधारण उपपत्ति करता है। फ्रेंड्स, 319 के साथ में हम 323 भी पढ़ेंगे, क्योंकि 323 में दंड दिया हुआ है 319 का चार्ज। चलिए देखते हैं धारा 323, स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने के लिए दंड, सिवाय 334 को छोड़ के, जो उसमें उपबंध दिए हैं उसको छोड़ के, 334 में जो उपबंध हैं उनको छोड़ करके, जो कोई स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा दोनों में से किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक, जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक, या दोनों से दंडित किया जाएगा। फ्रेंड्स, 119 में जो उपपत्ति कारित होती है उसके लिए 323 में दंड 1 वर्ष तक का कारावास है, 1,000 रुपये जुर्माना है, या फिर दोनों से। अब हम 321 को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। 319, स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, जो कोई किसी कार्य को इस आशय के आशय से करता है कि तद्दत द्वारा किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करे, या इस ज्ञान के साथ करता है कि ये संभाव्य है कि वे तद्दत द्वारा किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करे, या उपपत्ति कारित करता है। फ्रेंड्स, ये हमने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। वे स्वच्छता उपपत्ति कारित करता है, ये कहा जाएगा। फ्रेंड्स, इन तीनों सेक्शन को हमको मिलाकर पढ़ना है। फ्रेंड्स, आप 321 में दो शब्द दिए हुए हैं, एक तो है आशय, दूसरा है ज्ञान के साथ। इन शब्दों को याद रखिएगा, ज्ञान के साथ संभाव्य है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी का बटन भी दबाइएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।